ना आप में से कुछ लोगों को पता होगा, मेरा भाई जो है राघव, उसने कैट प्रिपरेशन स्टार्ट की है अपनी, चार्ट वार्ट लगा रखी है, अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो इसको देख के ना मेरे को फ्लैशबैक्स हो रहे थे कि हाँ यार मैं भी ऐसे पढ़ता था, इसी रूम में इतनी रिसर्च करते थे, पढ़ते थे, बढ़ते थे। और यार इसके पास अभी गाइडेंस है, पर मेरे पास गाइडेंस नहीं थी उस टाइम, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो ना मैंने सोचा क्यों ना आपको ये अपनी स्टोरी सुनाऊं पूरी। मैंने काफी जेन्युइन तरीके से इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है, पूरी सुनना बहुत मजा आएगा। एंड आपको भी यहाँ स्टैंड में लगाता हूँ ट्राइपॉड में एंड बताता हूँ। तो चलो आज मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ यहाँ से यहाँ तक की, यानी कि मेरी कैट प्रिपरेशन की। लेट्स गो। फ्रॉम दिस टू दिस, लेट मी टेक यू बैक। तो मेरी कहानी की शुरुआत करते हैं किसी भी एक अच्छी कहानी की तरह, यानी कि एक मेरी बैक स्टोरी से। थोड़ी छोटी सी है, सुन लेना, उसके बाद बहुत मजा आएगा, असली कैट जर्नी भी बताऊंगा। तो चलते हैं मेरे पास्ट में, कैट एस्पिरेंट की भाषा में, मेरे एकेडमिक्स पे। तो टेंथ में यार काफ़ी अच्छा स्टूडेंट था मैं, आई यूज टू स्कोर रियली गुड, एंड मेरे 9 CGPA है। तो उसके बाद मुझे लेना था मेडिकल या नॉन मेडिकल, एंड मैं नहीं ले पाया बिकॉज वी कुड नॉट अफोर्ड इट, तो आई वेंट फॉर कॉमर्स। तो 11th और 12th कॉमर्स में पता ही आप सबको कैसे जाती है, काफ़ी चिल था, आई वॉज लाइकिंग द फ्रीडम, क्योंकि 10th के बाद 11th 12th में फ्रीडम मिलती है, मजा करना दोस्तों के साथ, केड़ी शेड़ी ट्यूशन व्यूशन। तब तक यार कभी नहीं सोचा था कि यार क्या करेंगे आगे लाइफ में, कितना कमाएंगे, कौन सी जॉब करेंगे, कुछ टेंशन नहीं। बट हाँ यार एक ही आइडिया था कि 12th के बाद दो ही चारे हैं, कॉमर्स की है तो BBA या BCOM, हमारे शहरों में तो यही चीज़ होती है, और इन दोनों चीज़ों में से जनरली लोग BCOM लेते हैं। और क्योंकि मेरी परसेंट अच्छी थी तो भाई ले ली BCOM। अभी BCOM स्टार्ट होने से पहले भाई कुछ आइडिया नहीं था कि बच्चा कितना कमाएगा, इवन कि पेरेंट्स और मेरे लिए भी यार इतना मतलब कभी सोचा तक नहीं था कि आई विल अर्न मे बी 25,000 पर मंथ, 30,000 पर मंथ, बहुत बहुत बड़ा लगता था कि यार BCOM स्टार्ट हुई तो धीरे धीरे बातें होती हैं सीनियर से, दोस्तों से। तो तभी यह था कभी लॉ करनी है तो भाई कभी MBA करनी है, तो कभी भाई खुद का बिजनेस करना है, तो भाई कभी कुछ कंटेंट क्रिएशन ही करनी है, कुछ तो करना है बट क्या करना है वो समझ नहीं था। तो BCOM के फर्स्ट ईयर में मेरे साथ काफ़ी चीज़ें होती हैं, मेरा वो सीन काफ़ी डार्क जाता है, कभी फिर बताऊँगा आपको। तो उस टाइम में एक बहुत अच्छी चीज़ होती है मेरे साथ, आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग दिस वर्ल्ड। तो मुझे पता चलता कि यार अच्छा लोगों के पास इतना पैसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है, वो फक इतना अर्न भी करते हैं लोग, अच्छा ये नॉलेज भी होती है लोगों के पास, मतलब तुम समझ रहे हो। उससे पहले क्या था कि पता ही नहीं था। तब इंट्रोड्यूस होती है मुझे कैट, तब पता चलता है भाई कैट का एग्जाम होता है और लोग IIM नाम की चीज में जाते हैं, वहां जाके भाई पैकेज लग जाता है, कम से कम 1 लाख रुपया महीना तो मिल जाएगा। 1 लाख रुपया महीना, 1 लाख रुपया हो सकता है आपके लिए कम हो बट हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि हाँ स्टार्ट में 1 लाख मिलता है। तब भाई ठान लिया MBA करूंगा, करूंगा तो IIMC। तो अब आते हैं BCOM के सेकेंड ईयर पे। BCOM मेरी सही चल रही थी भाई, कुछ नहीं 65-70% ही आते थे, तो BCOM का आता है सेकेंड ईयर भाई। अब कैट की तो कोचिंग लेनी है, कैट की कोचिंग लेने के लिए लगते हैं पैसे, क्योंकि तो जहाँ से मैं हूँ फाजिलका पंजाब, आसपास कोई कोचिंग सेंटर है नहीं और ऑनलाइन का इतना ज़्यादा पता नहीं, तब होता भी नहीं था उस टाइम पे तो इतना ज़्यादा, कोविड था नहीं, तो भाई एक ही चारा था। तो पैसे घर से तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि यार 50,000 कोचिंग का लगता है ऑफलाइन और 50,000 रहने का खर्चा, क्योंकि दूसरी सिटी में जाना पड़ेगा चंडीगढ़ से, 5 महीने रहूंगा, PG खाना वाना, तो 1 लाख रुपया इकट्ठा करना है भाई। मैं लग गया ऑनलाइन फ़ोन बेचे, लोगों के लिए ऑर्डर किए, FMCG प्रोडक्ट्स पेटीएम से, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से खरीद के दुकानों पे जाके बेचे, लोगों के रिचार्ज किए, कंटेंट क्रिएशन किया, वेबसाइट बनाई, इंस्टाग्राम के पेज बेचे, कुछ भी किया भाई 1 लाख रुपया इकट्ठा किया और चला गया चंडीगढ़। तो यहाँ से स्टार्ट हुई मेरी कैट प्रिपरेशन जर्नी। तो भाई अब BCOM के थर्ड ईयर में आ गए और हमारी कैट जर्नी शुरू हो गई, कैट के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ये कैट 2019 के बाद। तो प्रिपेयर कर रहा था, चंडीगढ़ गया, देखो मैंने बहुत सी मिस्टेक्स की, क्या क्या मिस्टेक्स की मैं बताऊंगा। देखो सबसे बड़ी बात तो दूसरे सिटी में गया पहली बार रहने, तो रहने का पता नहीं, खाने का पता नहीं, साथ में पढ़ाई का एडजस्ट नहीं हो पा रहा था मैं एक्चुअली। तब मुझे कैट के बारे में कुछ भी नहीं पता था इतनी डिटेल्स, जो मैं बोलता हूँ कि नो योर एग्जाम फर्स्ट इसलिए बोलता हूँ, कुछ पता नहीं था कि कितना पढ़ना पड़ेगा। मुझे रियल में ऐसा लगता था कि भाई जाऊँगा 3-4 घंटे की क्लास होगी, 4 घंटे के बाद क्या ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे का काम होगा, मैं इतने में मेरा कैट हो जाएगा। बहुत बड़ी गलत फहमी थी, ना सेल्फ स्टडी की, ना अच्छे से नोट्स बनाए, ना रिविजन की, ना कंसिस्टेंट रहा, ना ही ये आर्ट सीखी कि भाई कुछ क्वेश्चन छोड़ने हैं, लोगों से सीखने हैं, ना सब कुछ गलत किया, और वो साल मेरा बिल्कुल बेकार गया।
मैं क्योंकि कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, घूमा फिरा चंडीगढ़ में, मजे किए, बट पढ़ा ही नहीं हो पाई अच्छे से। और उस साल 1,00,000 रुपया लगाने के बाद, टेस्ट भी और दिए, मॉक टेस्ट दिए, 1,10,000 लगा लो तुम, लगाने के बाद मेरी परसेंटाइल आती है 65%। मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड भी नहीं था, बट मैं परेशान था कि यार कैसे तूने अपने लाइफ में जो बहुत मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए थे वो बर्बाद कर दिए, अब तो करेगा। तो अब मेरे को पता था एडमिशन तो होनी नहीं, बट और मेरे को लगा था कि मुझसे कैट होगा भी नहीं। तो आपको सच बात बताता हूँ, अगले 6 महीने मैं यही सोचता रहेगा कि यार MBA करूँ ना करूँ, कैट दूँ कि ना दूँ। तो करते करते अराउंड मई जून, यानी कि 2020 की मई जून तक आते हैं, तो मैं सिर्फ सोचता रहा कैट दूँ कि नहीं। तो कहीं जाके मैंने मई जून में थोड़ी प्रिपरेशन करनी स्टार्ट की। तब तक यार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए थे और मैंने अनअकैडमी चूज किया उस टाइम पे। इस बार यार मुझे गलतियां पता थी कि भाई तूने कैट को पहले बहुत लाइटली लिया, ना ही पहले एग्जाम को जाना, ना ही पैटर्न को जाना, सबसे बड़ा कंसिस्टेंट रहा ही नहीं तू। उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं की, ना ही नोट्स बनाए, ना ही मॉक्स दिए, मतलब सब चीजें फॉलो ही नहीं की। तो मेरे को ना इस बार रोड मैप पता था भाई, 6 महीने मेरे पास है, मेरे को पता है मैं स्टार्टिंग से यार डिसेंट के लिए रहूं, और मेरे जैसे के लिए 90% 95% बहुत बड़ी बात थी, और मैं इतना अचीव कर सकता हूँ, इतना मुझ में दम था, मुझे 60 पे पता था। तो लग पड़े, स्टार्ट कर दी मैंने अपनी जर्नी, प्रिपरेशन शुरू कर दी। और ना एक चीज क्लियर थी कि भाई केशव तो कंसिस्टेंट इसलिए नहीं रह पाता है क्योंकि एकदम से मोटिवेशन का पहाड़ आता है तेरे अंदर एक दिन में, भाई पूरा बैठ जाता है, तो 4-5 घंटे उसके बाद नहीं बैठा जाता। अगले दिन तुम कहाँ से ही बैठ जाएगा, तेरे को आदत ही नहीं है पढ़ने की, क्योंकि बीकॉम में और 10th 12th में तुमने कॉमर्स लेके तो वैसे ही बहुत नलायक हो जाएगा कि पढ़ने की आदत नहीं है। तो ठाना केशव कंसिस्टेंट रहेगा तू, मंडे से लेके सैटरडे तक पढ़ेगा रोज, 1 घंटा पढ़ू 2 घंटे पढ़ू पहले हफ्ते, और मैं पढ़ूंगा। मैंने ना अपना डिवाइड कर लिया, मैं लिटरली एक बार में नहीं बैठ पाता। हम ना पंजाबी बोलते हैं पंजाबी लोग, यार तेरी सीटिंग ही है नहीं क्योंकि मैं पढ़ लेंगे। तो मैंने सीटिंग बनानी थी, तो क्या किया, बहुत आसान, सुबह 1 घंटा उठते ही 1 घंटा पढ़ता था मैं, ब्रश व्रश किया, नाश्ता करके बैठ गया, 1 घंटा पढ़ लिया, बस 1 घंटा। दोपहर को भी ऐसे रोटी वोटी खाई, मैं दोपहर को सोता नहीं, 1 घंटा पढ़ लिया। रात को फिर सोने से पहले सिर्फ 1 घंटा। स्टार्ट मैंने किया इसी तरह, पहले 2 घंटे से किया, फिर 2 घंटे को 3 घंटे कर लिया, 3 को 4 किया, मतलब 1 घंटा कभी बढ़ा देता था सुबह दोपहर या रात को कैसे भी। ऐसे करते करते ना मैं कंसिस्टेंट बहुत रहा, मैंने ना जून काफी अच्छे से पढ़ा, पर मैं ये नहीं था बहुत ज्यादा पढ़ता था, बस बैठने की आदत बना रहा था, कुछ भी करूं साला बुक खोल के मैं पढ़ूंगा कुछ भी करूं। क्योंकि सबसे बड़ी की ही कंसिस्टेंसी है यहाँ, जो आप बहुत लोग आप में से भी सुनने के बाद भी छोड़ोगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब तुम लिख के ले लो तुम्हें अभी भी तुम्हारे साथ ऐसे ही हो रहा होगा, तुम अगर वीडियो देख रहे हो ना तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे। भाई कंसिस्टेंट रह ले, तेरी वैसी परसेंटेज 10-20 बढ़ जाएगी। भाई जून खत्म हुआ, जुलाई खत्म होते होते यार फिर मैं कंफ्यूज, भाई इतनी मेहनत कर तो रहा हूँ, इस बार ना हुआ फिर क्या करूंगा। आई नो तुम भी लोग ये सोचते होगे, करूंगा ही क्या फिर, ये तो गैप आ गया मेरे पास, वैसे ही करूंगा क्या भाई मैं। तो मैं सोचने लगा यार देख केशव तेरा कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट है साथ साथ, यार तब ना मेरे को जिम जाना शुरू किया था, मैं काफी साइंटिफिक जिम करता था, स्टार्ट जैसे मेरे भाई का चैनल बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट किया ना, तो ऐसे था बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट किया कि अपनी जर्नी रिकॉर्ड करेंगे। तो ये कंफ्यूजन के भी ये करूं पैशन नहीं हो ये करूं, भाई 1 महीना मतलब 1 महीना नहीं राउंड 2 से 3 हफ्ते इसी में बर्बाद। फिर मन को शांति दी, केशव वो सोच जो तू हमेशा सोचता है। देखो मैं लाइफ में मैं बहुत ज्यादा भगवान में विश्वास नहीं करता, बहुत ज्यादा मैं किसी को मानता नहीं इतना ज्यादा, बस 2 चीजें होती हैं यार, एक तो जो भी चीजें हो रही है रैंडम नहीं है, ये कुछ भी रैंडम नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है एंड वो फाइनली तुम्हें अच्छा रिजल्ट ही देगा। और दूसरा ये केशव ने मतलब मैंने आज तक जो भी काम किया मुझे किसी चीज का पछतावा नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ लाइफ में मैंने किसी चीज का पछतावा नहीं किया। तो मेरे को 2 ही था केशव ऐसा कुछ कर कि यार तेरे को लाइफ में आगे जाकर रिग्रेट ना हो कि यार वो मेरे पास चांस और मैंने छोड़ दिया, और दूसरा यार जो होगा अच्छे के लिए होगा जो तू चूज करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट मैंने क्या कि केशव कंटेंट क्रिएशन तो 1 साल बाद भी कर सकता है, 6 महीने बाद भी कर सकता है, तो अच्छे से कर लेगा। अभी जो कैट का टाइम है ना, अभी कैट को टाइम दे ले, नहीं हुआ तो कोई नहीं, तो कोई रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने कभी ट्राई नहीं किया। इसी मेंटेलिटी के साथ मैंने अपने कमबैक किया कि भाई इस बार पढ़ेंगे, यही रूम होता था, यही नीचे गद्दा लगा होता था, यही मैं पढ़ता था, मैं रोज रात को अच्छे से पढ़ने बैठता, मैंने अपनी सीटिंग को भी अपना अच्छी बना दी थी।